वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह ही हुई मंदिर से, ओम नमो नारायणाय नमः। मैं अपनी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर पसंद नहीं करती हूँ कि मैं अपनी जो पूजा है वो कैमरा में कैद करूँ, क्योंकि पूजा एक मन की शांति की चीज़ होती है जो कि एकदम शांति से होता है। अगर साइड में कैमरा ऑन रहे तो आपका मन वहीं पर घूमता रहता है, ऐसा लगता है कि कैमरा ऑन है, ये चीज़ कैप्चर हो रही है नहीं हो रही है, मैं कैसे बैठी हूँ, क्या हो रहा है, सही से कर रही हूँ ना। फिर सबकी स्पिरिचुअल जो भावनाएं हैं वो अलग होती हैं, मेरी थोड़ी अलग है, मैं कैसे पूजा करती हूँ उसमें फिर लोग नुक्स निकालना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं कभी भी ज़िंदगी में ज़्यादातर पसंद नहीं करती हूँ कि मैं अपनी पूजा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। पर आज मुझे पता नहीं क्या मन हुआ, ऐसा लगा लड्डू गोपाल को भी दिखाना चाहिए आप लोगों को। आप लोग मेरे दोस्त हो, आप लोगों को भी घर की हर चीज़ दिखानी चाहिए, ये सोच के मैं आ गई हूँ आज आप लोगों को मेरी जो लड्डू गोपाल है उसको दिखाने के लिए। और सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि चलो आप लोगों से शेयर किया जाए मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो सुबह उठ के नहा धोने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है भगवान की पूजा पाठ करना। भगवान की पूजा करती हूँ, उनको पहले नींद से उठाती हूँ, ठाकुर जी को नहलाती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, उनकी आरती करती हूँ और उसके बाद मेरी दिन की शुरुआत होती है। मन एकदम खुश हो जाता है सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो ना, आपका सारा दिन का जो मन का ग्लानी है, मन की शांति है वो हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की। इसके बाद तो भागा दौड़ी में कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं मिलता है। आ गई हूँ मैं सीधा किचन पे, कढ़ाई रख दिया है, पहले से ही सोच के रखा था आज सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले खाना बनाऊंगी। और कान में देखिए फ़ोन है, पता है किसका फ़ोन आया है, मेरी सासू माँ का। सुबह सबसे पहले मेरा एक कर्तव्य होता है माँ का फ़ोन करने का। माँ हमारे साथ नहीं रहती, हमारे से थोड़ा सा दूर है उनका घर, वहाँ रहती है। एक्चुअली मैं फ्लैट में रहती हूँ, वो मकान में रहती है। और मेरी इतना सारा चीज़ है ना, सामान है, मकान में रखने का जगह नहीं था। तो जब हम रिटायर होके आए थे तब हमारे घर में सबने बोला फ्लैट ले लो, तो हमने ये फ्लैट लिया हुआ था। तो अब हम यहाँ रहते हैं, क्या पता कल हम घर में भी रहने लग जाए। अभी तो घर में से माँ रहती है और चाचा जी रहती है। चाचा जी है मेरे हस्बैंड के चाचा जी है, उन्होंने शादी नहीं किया, वो हम लोगों के साथ रहते हैं। तो मेरा सुबह का मॉर्निंग का ये एक रूटीन है, जैसे मैं चाय पीती हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ, सुबह मॉर्निंग का ये भी एक रूटीन है, मैं सुबह सुबह उठ से माँ से बात करती हूँ। उन लोगों के सुबह साथ बात नहीं करके मेरा दिन का शुरुआत नहीं होता है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं। वो लोग घर में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ एकदम बात ना किया जाए, उनके साथ बात करोगे तब जाके आप लोगों का समय कटेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को ना प्रायोरिटी बहुत देना चाहिए, उन लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये लोग हमसे प्यार नहीं करते। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है मैं उनको मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखूं। तो कढ़ाई में देखिए बन रहा है फिश, बंगाली फिश, इसको बोलते हैं हिलसा। तो दो तरफ कढ़ाई में दो तरह का मछली है, एक तरफ फिश फ्राई हो रहा है और एक तरफ बैंगन आलू के साथ फिश की सब्जी बन रही है। ये वाली जो फिश है ये बरसात में ही बंगाल में मिलता है, बाकी पूरे साल बंगाल में ये वाली फिश मिलती नहीं है। और ये जो है साफ कर रही हूँ ये प्रॉन्स है, मैंने आज दो तरह का फिश लिया हुआ है। तो सुबह सुबह पहले ही मैं काम पे लग गई कि काम ख़त्म करती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में ना बहुत टाइम लगता है।
और जब आप जिस दिन फीस बनाते हो उस दिन तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने फीस बनाना शुरू कर दिया है। तो चलिए फीस बनाते हैं और फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। ये जो फीस है ये ना साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि छोटा छोटा होता है। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, इतना जल्दी अगर काम हो जाता फिर तो कोई बात ही नहीं था। देखो मुझे बाल से गमछा निकालने का भी समय नहीं मिला क्योंकि दो कढ़ाई एक साथ रखा था, इसलिए टाइम निकलता जा रहा है। तो मैं जल्दबाजी में खाना जल्दी जल्दी बना के फिर आप लोगों के साथ आके बात करती हूँ, ठीक है? चलो खाना पक रहा है, अब मेरा खाना बन गया और बच्ची छोटी वाली खाने पे बैठ गई है। उसको जिस दिन फीस बनता है ना ऐसा लगता है बहुत भूख और बहुत जल्दी खाना खाने बैठ जाती है। उसको हंसी आ रही है कि मम्मी क्या बोल रहे हो अपने व्यूअर्स को, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। एक्चुअली उसको फीस बहुत पसंद है तो जिस दिन भी फीस बनता है वो बहुत जल्दी खाना खाने बैठती है। बच्चों से ही तो घर परिवार होता है बोलिए। खाना तब बनाने का मन करता है जब घर में खाने के लिए चार इंसान हो। अकेले के लिए घर में खाना बनाने एकदम मन नहीं करता, ऐसा लगता है क्या अकेले के लिए बनाना और क्या खाना। तो मेरे साथ भी यही होता है, हमेशा ऐसा लगता है कोई है नहीं घर में, किसके लिए खाना बनाऊं। इतना सा चावल बनाती हूँ और इतना सा सब्जी बनाती हूँ, चार दिन वो ख़त्म नहीं होते। तो मैंने खाना बनाने के बाद अब किचन साफ़ करना है, एक सब्जी किचन में अभी भी बन रही है शाम के लिए, तो वो बनाने के बाद किचन साफ़ करूँगी। मैंने बेटी को बोला चलो हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर किचन साफ़ करेंगे। और किचन साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को पता है मैं कितना डीप क्लीन करती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं संचिता जी आप काम करते हो क्या? यार काम करती हूँ, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस दिन फीस बनाती हूँ ना इस स्लैब को भी मैं स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से रगड़ देती हूँ। स्लैब को, गैस को, चूल्हे को, कुचिना को, सबको मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत तेल तेल जैसा हो जाता है। और इस जो ऑयल कलेक्टर है उसमें भी काफ़ी सारे ऑयल आ गए हैं तो उसको भी आज क्लीन कर लूँगी। सबको ऐसा लगता है संचिता जी काम ही नहीं करती। नहीं यार काम करना पड़ता है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है मैं काम नहीं करती हूँ? सारा दिन मुझे आराम ही नहीं मिलता है, मेरा घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ और रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दो नौकर चाकर हैं खाना बनाने के लिए दूसरे हैं, घर के काम काज करने के लिए दूसरे हैं। यार बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अगर उनसे काम कराती तो वो लोग पढ़ लिख पाते क्या? बच्चों को हमेशा पढ़ाई में प्रोत्साहन देना चाहिए ना कि घर के कामों में। घर के काम तो जिंदगी भर लड़कियां करती रहती है, अगर बचपन से हम उनको घर का काम कराएंगे पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे नहीं फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे तो यही विचार थे, हमारे बंगाल में इसलिए लड़कियों से ज़्यादा नहीं काम कराते, बोलते हैं शादी के बाद तो काम ही करना है। तो मैं भी वही उनसे ज़्यादा नहीं काम कराया कभी। आज दोनों बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए तो मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ तो किया उनके लिए। अगर मैं उनको काम कराती और पढ़ना लिखने नहीं देती तो वो आगे कैसे बढ़ते। तो चलिए काम करते करते, किचन साफ करते करते, आप लोगों से बात करते करते मेरा काम हो गया और अब मैंने बहुत सारा पानी पिया। अब जाके मैं सोऊंगी बेड पे, थोड़ी देर बेड पे सोने के बाद फिर मैं आप लोगों से आके बात करूंगी। अब हो गई है शाम और बूजो मेरे से प्यार कर रही है। उसको मैं अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाऊं तो उसको ये लगेगा कि मम्मी को खा जाऊं सीधा। पता नहीं उसको इतना लाड प्यार कहाँ से आता है।
कभी कभी बहुत मन ख़राब हो जाता है कि 14 साल की हो गई, आज मेरे पास है कल शायद ना रहे, बट क्या करें, यही लाइफ है। तो यही लाइफ है तो इसको मानना तो पड़ेगा। बोलो तो बिस्तर में थोड़ी देर सोने के लिए आ गई हूँ, छोटी वाली बेटी बैठी हुई है और ये जो वीडियो है छोटी वाली बेटी जाने से पहले की वीडियो है। एडिटिंग कर नहीं पाई थी इसलिए पोस्ट नहीं हो पाया, आज एडिटिंग कर रही हूँ। और ये जो सॉफ्ट टॉयस है ये छोटी बेटी की है, उसको सॉफ्ट टॉयस से बहुत प्यार है और बहुत सारे है भी घर में और मुझे चिढ़ाती रहती है, मम्मी मेरे सॉफ्ट टॉयस को आप ना पिचका दोगे। मैं कभी हाथ लगाती नहीं हूँ, अगर टॉफ़ी होती ना तो इन लोगों को बेड पे रखने नहीं देती, बट अभी तो टॉफ़ी है नहीं तो बेड पे पड़ा रहता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसी बात है। तो वो थोड़ा सा अपनी कुछ पढ़ाई कर रही है और मैं थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करने आई हूँ। मैं कभी कभी इसके बेड में आ जाती हूँ तो बोलती है मम्मी मुझे डिस्टर्ब करने आते हो, यहाँ पर आके आप फ़ोन पे बकबक करते रहते हो और मेरी पढ़ाई की डिस्टर्ब हो जाती है, पर मैं क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ अकेले अकेले, तो कभी कभी उसके रूम में आके उसको चिरा देती हूँ। तो चलिए, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की मेरी बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आज के लिए आप सबको बाय, दुआ में याद रखिएगा, गुड नाइट सबको, मेरा बहुत सारा प्यार के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।